देखिए, हिंदुत्व मुद्दा बनेगा ये तो बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में खास करके जो हमारी सांस्कृतिक विरासतें रही हैं, राम मंदिर रहा हो, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर रहा हो, ये सब जो एक बड़ी मेजॉरिटी है हिंदू फेथ को मानने वाली, तो उस पर जो केंद्रित जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, उन मूल्यों को ध्यान रख के सरकार ने और इस वर्तमान सरकार ने काम किया है, तो इसलिए इन सब सांस्कृतिक मूल्यों को आधार बना के यूपी चुनाव में हिंदुत्व तो मुद्दा रहेगा और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इस चुनाव में। यदि वर्तमान समय में हिंदुत्व का मुद्दा की हावीपना देखा जाए तो हिंदुत्व क्या है? एज ए गुड गवर्नेंस का सबसे बड़ा उदाहरण है हिंदुत्व। हिंदुत्व की परिभाषा में ही कहा गया है, हिंदव सहोदर सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हिंदुत्व में आपको समानता समरसता जो बाबा साहब अम्बेडकर की कल्पना थी वह भी परिलक्षित होती है। तो जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है यह मुद्दा नहीं है वर्तमान में, यह हिंदुस्तान की सच्चाई है जिसको अब सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया है और बाबा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग बनाने वाले हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भारी मतों से योगी आदित्यनाथ जी को जिताएंगे। देखिए, जैसा कि हमारा मानना है कि हिंदुत्व कोई मुद्दा नहीं है, हिंदुत्व एक जीवन जीने की पद्धति है, और जहाँ तक बात है विरासत की, हिंदुत्व के विरासतों के द्वारा जो चुनाव लड़ने की योजना है, पार्टियों का विपक्ष का जो मुद्दे पर वार पलटवार है, यह कोई मुद्दा नहीं है। ये एक संरक्षण और संरक्षित किए जाने की विरासतों की पद्धति है। आप काशी कॉरिडोर को ले लीजिए या विंध्यवासिनी कॉरिडोर को ले लीजिए या राम मंदिर को ले लीजिए, यह एक पद्धति है जिससे कि हमारी संस्कृति सनातन काल तक संरक्षित रह सके और उसका जो संरक्षण हो वह सरकार के द्वारा किया जा रहा है, यह निंदन बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। इसकी निंदा जो विपक्ष की पार्टियां करते हुए इसको लगा रही हैं कि राजनीतिक मुद्दा है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार इस पे अच्छा काम किया और सरकार इसको इसका फायदा मिलेगा, विपक्ष यहाँ पे तहस नहस हो जाए। देखिए, इस समय हम देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में खड़े हैं और अभी हम जैसे देख रहे हैं कि विश्वनाथ कॉरिडोर हो या अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हो या हमारी जो संस्कृति या विरासत है उसको सहेजने की बात हो, तो बिल्कुल इन सबसे जो है एक आम जनमानस पर प्रभाव तो पड़ता ही है, क्योंकि जो कई वर्षों की ये जो रीति है, विपक्ष की जो राजनीति है, उस पर अभी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर आदि मुद्दों जो इस पर राजनीति चल रही है उससे जो है जरूर जनमानस पर प्रभाव पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं एक मतदाताओं को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।